हेलो ना, लग रहा रे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में ये स्टार कट क्लासिक, ठीक है, कट विद डिफरेंस, ये चेन सा कटिंग मशीन है। तो आज मैं इस वीडियो में इस कटिंग मशीन को कैसे असेंबली करना चाहिए और इसका जो भी स्पेसिफिकेशन है वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा। और इस कटिंग मशीन से ये जो वुड है, इस लकड़ी को किस तरह से काटना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इसका स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 2.6 किलोवाट। ठीक है, 2.6 किलोवाट है। इसका RPM है 3000। ठीक है, ये 22 इंच का है, मतलब ये जो सा है ये 22 इंच का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस जब मैं इसको ओपन करा, इसके साथ क्या क्या दिया हुआ है, एक चेन दिया हुआ है। ठीक है, एक चेन आया है, इसके बाद ये पेट्रोल नहीं दिया है, पेट्रोल का डब्बा दिया हुआ है इसके साथ। ठीक है, उसके बाद ये 22 इंच का फ्रेम है, स्टार क्लट क्लासिक। ठीक है, उसके बाद एक टूल किट दिया हुआ है। ठीक है, एक टूल किट दिया हुआ है। टूल किट में ये कुछ ये है, स्क्रू ड्राइवर और एक बॉक्स पैनर है इसमें 2-in-1। और उसके बाद ये शार्प करने के लिए, टी शार्प करने के लिए एक दिया हुआ है। उसके बाद एक स्क्रूडर दिया हुआ है और 2 Allen की। ठीक है, और 2 नट दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो दिख रहा है इसको मैं असेंबली कर दिया हूँ। ये स्टार्टिंग में दिया हुआ था, मतलब जब हम वुड को काटते हैं, ये इट्स अ स्टॉपर। ठीक है, स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे मैं असेंबली कर दिया हूँ। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फ्यूल टैंक है। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें पेट्रोल डालना है। इस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सी है, क्या लिखा है देखिए, मिक्सचर रेशियो गैस 2 स्ट्रोक ऑयल 25:1। ठीक है, नेवर यूज प्योर गैसोलीन, मिक्स्ड फ्यूल शुड बी यूज्ड। मतलब यहाँ पे पेट्रोल जो है पूरा प्योर यूज नहीं करना है। ठीक है, पेट्रोल का पूरा यूज नहीं करना है। इसके साथ जो है हम ऑयल डालना है। कौन सा ऑयल डालना है, ये जो ऑयल है स्कूटर एक्टिव, हमें स्कूटी का है 10W30 480, ये ऑयल डालना है। या इसके साथ एक और छोटा डब्बा आता है, छोटा वाला रेड कलर का रहता है छोटा डब्बी, उसको डाले तो बहुत ही अच्छा होगा। फिलहाल के लिए मैं ये डाला हूँ। इसका रेशियो और ये पेट्रोल है, ये पेट्रोल के साथ इसको मिक्स करके डालना है। ठीक है, उसको यहाँ पर भरना है पेट्रोल टैंक। ओके, यह है पेट्रोल टैंक। ठीक है, ये पेट्रोल टैंक है, इसको ओपन कर दिया, इसको मैं भर दिया हूँ। ओके, ये पेट्रोल है। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल भर दिया हूँ मैं, ऑयल भी डाल दिया हूँ। ओके, तो उसके बाद है यहाँ पर इंजन ऑयल डालना है। ठीक है, ये जो ऑयल है, ये ऑयल यहाँ पे डालना है इसको। ठीक है, ये ऑयल मैं डाल दिया हूँ यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये चोक बोलते हैं इसको, इसको पुल करना है, इसको ऑन करते टाइम पुल करना है, फिर उसके बाद ऑफ करना है। ये ऑन ऑफ स्विच है, जब नीचे है तो ऑफ है, ये ऊपर करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये है एक्सेलरेटर। ठीक है, ये एक्सेलरेटर है। ठीक है, ये ऊपर का एक प्रेस करके इसको इस तरह करना है, दिस इज़ अ एक्सेलरेटर। ठीक है, ये वाले को प्रेस करना है, ऊपर वाले को प्रेस करके इसको करने से दिस इज़ अ एक्सेलरेटर। ठीक है, और उसके बाद ये है ब्रेक है। ठीक है, जब मैं इसको सामने खींचूँगा तो ब्रेक रिलीज होगा, जब मैं इसको आगे करूँगा तो ये ब्रेक में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मैं प्रेस करता हूँ, इस तरह से प्रेस करके इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया ओपन। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पार्ट है, बस एक नट है, इसको मैं ओपन करके रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ये आएगा। ठीक है, हमारा जो फ्रेम है ये यहाँ पर आएगा,
इसको चैन को कैसे असेंबली करना है ये सब बताऊंगा मैं। तो इसके अंदर गियर है, गियर कैमरा ले जाओ, जूम करो, गियर ठीक है, इसके अंदर गियर है ठीक है, ये दिख रहा है गियर, इस गियर के अंदर चैन आना पड़ेगा ठीक है, गियर इस चैन के अंदर आना है। तो इसको पहले हम क्या करना है, इसको असेंबली करने से पहले पीछे ले, ओके, इसको असेंबली करने से पहले फर्स्ट इसको नो लोड में ऑन करके देखना है। क्यों बोले तो जब हम लोड करके ऑन करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, लोड में ऑन नहीं होता है ना, तो इसलिए इसको पहले नो लोड में ऑन करना है। नो लोड में ऑन करने के बाद इसे असेंबली करके चेक करना है ठीक है। फर्स्ट मैं इसको नो लोड में ऑन करता हूँ। नो लोड में ऑन करने के लिए यहाँ पर पैर रखना है ठीक है, ये इसको दबा देता हूँ, इसको ये एक्सेलरेटर है ठीक है, ये चोक को ओपन कर देता हूँ, दिस चोक ओपन करा, ये स्विच ऑफ है, इसको ऑन कर दिया ठीक है, इसको ऐसा रखा ठीक है, ऐसा रख देता हूँ, इसको खींचना है, ये फर्स्ट में एक्सेलरेटर को दबा लेता हूँ ठीक है, अलवर एक्सेलरेटर पकड़, एक्सेलरेटर ये चोक को ऑफ कर देता हूँ, चोक इसको ऑफ कर दिया, मतलब ये मोटर अभी ओके है ठीक है, अभी ये मतलब मशीन अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, असेंबली करूँगा ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स ये है चेन ठीक है, चेन को जब आप ओपन करोगे कभी कभी ये लॉक हो जाता है ठीक है, मतलब ये ओपन नहीं हो जाएगा, ये लॉक हो जाता है, तो ये जल्दी से ओपन नहीं हो जाएगा ठीक है, इसलिए इसको केयरफुली से ओपन करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए लॉक हो गया ठीक है, अभी इसको कैसे ओपन करना चाहिए यही इस पर ट्रिक है, इस तरह से लॉक बन जाएगा ठीक है, दो लॉक हो जाता है। इसको ओपन करने का एक ट्रिक बता देता हूँ, पहले इसको इस तरह से रखना है फटक ठीक है, इसको सर्कल बना के रखना है, ओके इसको सर्कल बना दीजिए, ओके इसको सर्कल बनाने के बाद ये इसको उल्टा ऐसे घुमा देना है ठीक है, देखो फिर से एक लॉक हो गया ठीक है, ये अगेन लॉक गिर गया है ठीक है, इधर एक लॉक आ गया, देखो ये लॉक आ गया, ये ओपन नहीं हो रहा है, इधर एक लॉक आ गया। इसको ओपन करने के लिए फिर से इस सर्कल को इस तरह कर देता हूँ ठीक है, ओके अभी देखिए ओपन हो गया ठीक है, ये ओपन हो गया मतलब इसको ओके। तो अभी ये चेन ओपन हो चुका है ठीक है, पहले नॉट था अभी ओपन हो चुका है। इसको असेंबली करने के लिए फर्स्ट ये जो ये ऊपर का एरिया देख सकते हैं आपको, इसे देखो ये थोड़ा शार्प है ठीक है, ये जूम लगा ठीक है, ये वाला एरिया बाहर रहना है ठीक है, ये एरिया दिख रहा है ये बाहर रहना है, ये वाला जो टीथ्स है ये स्मॉल स्मॉल टीथ्स है ये इंटरनल एरिया हो जाएगा ठीक है। इसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ ठीक है, अंदर जो गियर है गियर में इसे इस तरह से पिनाऊंगा, ये अंदर जो टीथ्स है इसके अंदर जाना है ये टीथ्स ठीक है, ये अंदर डाल दिया ओके ओके ठीक है, ये गियर में लॉक हो गया दिखा देता हूँ ठीक है, इस तरह से गियर में लॉक होना चाहिए ठीक है। अभी पकड़ा, अभी ये फ्रेम लेना है, ये 22 इंच का फ्रेम है ठीक है, इसे मैं ऊपर ले, इसे मैं अंदर डालता हूँ
ओके, इसको अंदर प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद अलवर पकड़ो, क्या ये डालो टीथ, ये जो टीथ्स है सुरको, ये जो टीथ्स है, यहाँ स्लॉट है, स्लॉट के अंदर जाना है, ठीक है। दीज आर स्लॉट्स, ओके, स्लॉट के अंदर जाना है। पकड़ो, एक मिनट, ओके, ये स्लॉट के अंदर जाना है, ओके, ये स्लॉट के अंदर चले गए, ऐसा ऐसा ऐसा, ओके, ओके, ये स्लॉट के अंदर चले जाना है, ओके, ये प्रॉपरली इसको स्लॉट के अंदर जस्ट प्रेस कर देना है, ये स्लॉट के अंदर चला जाएगा, ठीक है, ओके। अभी ये थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा बचा, पीछे ले लो, यहाँ फोकस करो, एक्स्ट्रा बचा, इसके लिए हम इसको इधर पुल करना है, आउटसाइड पुल करने से ये वाला एक्स्ट्रा जो है टाइट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपरली नहीं गया, फिर से अंदर कर लेता हूँ, फर्स्ट टीथ का सेट करना होगा, ओके ओके ओके, पीछे से कैमरा इधर, यहाँ से ला, इधर से, जूम पर, ठीक है। ये मैं पुल करा हूँ, अभी पुल करके ये हो गया असेंबली, ठीक है। अभी क्या करना है, ये जो कवर है, इस कवर को डालना होगा, ठीक है। ये कवर को पकड़े, ये पकड़, ये जो है क्या है? तो फ्रेंड्स, इसको असेंबली करने के बाद इसको ये वाला भी बेटा पकड़ो, अभी इसे फिट करना है, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर की दिया हुआ है, ठीक है। ये की मदद से हमें इसे एडजस्टमेंट करना है, अभी से मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये जो होल्स है, ये दो होल्स में आ जाएगा, ये वाला जो होल्स है, ये वाला होल में ये वाला की आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये आगे पीछे रहेगा। इस स्क्रू की मदद से हम इसे एडजस्ट करके इस होल पे लेकर आना है, ठीक है। अभी इसे लगा दे रहा हूँ, ओके। अभी देखिए, दो नट आ गए हैं, लेकिन जो हर एक जो नट है, रुको, वो एडजस्ट करना होगा, इधर देखो, ओके, ये जो है उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अलवर इसको टाइट करो, ओके, वो होल में आना है, वो होल में मैच आने के लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा, टाइट कर, ऐसा, ओके, ओके, आ गया, ओके, इसको एडजस्ट करने से टाइट हो जाता है, ओके, छोड़ दो, ये पकड़ो कैमरा, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो इसका, ये देखिए लूज हो गया, ठीक है, इसको टाइट करना है। इसको टाइट करने के लिए स्क्रूडर ला, ये पकड़, ओके, ये चेन को टाइट करने के लिए ये जो हमारा जो स्क्रू दिया हुआ है, इसको टाइट करना है। इसको टाइट करने से वो वाला जो चेन है वो टाइट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए टाइट हो जाएगा, ये इसको अच्छे से रख लीजिए, अभी ये टाइट हो जाएगा, ठीक है, ये टाइट हो जाएगा। इसको टाइट करने से चेन टाइट हो जाएगा। इसका टाइटनेस देखना है, तो ज़्यादा लूज भी नहीं होना है, टाइट भी नहीं होना है, ठीक है। अभी ओके लग रहा है, ओके, इसे एक बार घुमा के चेक करेंगे एक बार कि घूम रहा है क्या नहीं बोल के। एक्चुअली ये ज़्यादा टाइट हो गया, थोड़ा लूज़ कर देता हूँ, ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, ठीक है।
ये देखिए इतना लूज चलेगा, ये थोड़ा लूज है, हाउस थोड़ा टाइट कर देता हूँ। ओके ये परफेक्ट बैठ गया, और थोड़ा टाइट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है इसे। ओके ये टाइट हो गया। उसके बाद ये स्क्रूज डालना है, ये स्क्रू यहाँ पर लगेगा और उधर स्क्रू, ये स्क्रू यहाँ पर लगेगा, टाइट कर। पहले इसको हैंड से डाल लीजिए, रुक रुक, फर्स्ट हैंड टाइट करना, हैंड टाइट। ओके अब टाइट कर, इसे बॉक्स पहना उसकी, इसे सर से टाइट करना है, टाइट करो वो वाला, टाइट करो ये वाला। दूर से लगा। ओके ये टाइट कर, ये ओके ओके। ये शार्प करने का है, इसमें ये टीथ, इस तरह से टीथ जो है आपका डायरेक्शन सही है या नहीं है इस तरह से पता चलेगा। ये टीथ में आना है, ठीक है, ये टीथ में आएगा तो आपका डायरेक्शन सही है चेन का, ठीक है। इस तरह से अगर है तो आपका जो चेन जो है करेक्ट असेंबली है, ठीक है। ये चेकिंग का प्रोसीजर है, ठीक है। अभी इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है, चलो ऑन करेंगे, ठीक है। अभी ये ब्रेक है, ठीक है, इसके सामने है, ये सामने बोले तो अभी लॉकिंग में रहेगा, इसको मैं इधर लूँगा तो क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, तो इसलिए इसको लॉक में रहने देता हूँ। एक बार ऑन करके देखते हैं कैसा हो जाएगा, ठीक है। दूर हटा, पीछे पीछे हो, पीछे, ओके। थोड़ा कभी गड़बड़ हो जाएगा इसलिए थोड़ा चेन लगा देता हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको ऑन करेंगे, चोक को निकाल देता हूँ, ये ऑन करा, ओके। ये एक्सेलरेटर, अलवर एक्सेलरेटर पकड़ो, ओके एक्सेलरेटर थोड़ा थोड़ा पकड़ो, थोड़ा, ओके ऑन हो रहा, ओके। ये ब्रेक को थोड़ा इधर ओपन कर देता हूँ, ओके ओपन करा, एक्सेलरेटर एक्सेलरेटर दबाओ, एक्सेलरेटर थोड़ा दबाना, इसको एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा, ये एक्सेलरेटर, ये पकड़ना है फर्स्ट एक्सेलरेटर, ये फर्स्ट ये दबा के पकड़ना, ये छोड़ दिया,
चेन लूज हो गया है, ये देखिए, ठीक है, ये चेन लूज हो गया तो इसलिए इस चेन को टाइट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब प्रॉपरली टाइट नहीं करा मैं, इसको फिर से टाइट करना है, ठीक है, इस चेन को टाइट कर लीजिए, ठीक है, ये भी कट हो जाएगा, देखो कट हो गया, ठीक है, ये बड़ा भी कट हो जाएगा थोड़ी देर में, इसको चेन को इसको टाइट करना है, ठीक है, टाइट करने के लिए फिर से इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, इसे ओपन करना है फिर से, ये जो स्क्रू दिखाओ, ओके, ये स्क्रू है, छोड़ो, ये फर्स्ट ही ओपन करना है, ये दो स्क्रू को ओपन करना है, ओपन करके इस स्क्रू की मदद से हमें टाइट करना है, ठीक है, ओपन कर देता हूँ, पकड़ो, इसे ओपन कर लेना है, ठीक है, अब देखिए लूज हो गया है, ठीक है, इसे टाइट करना होगा, ठीक है, ये करेक्ट है फुल्ली, हाँ करेक्ट, ओके, इसे लगा देता हूँ फिर से, देखिए गंदा गया, कुछ ब्रश दे, ये ऑयल भी आ गया है, ठीक है, इसे अच्छे से असेंबली नहीं करा मैं तो इसको फिर से असेंबली कर देता हूँ, ओके, ये वाला स्क्रू ड्राइवर, इससे वो जीरो पोजीशन में लेके आना है टाइट करने के लिए, स्क्रू ड्राइवर इसको टाइट करने से ये चैन हमारा टाइट हो जाएगा, ठीक है, ये चैन अच्छा टाइट होना है, इसको टाइट करने से ये चैन टाइट हो जाएगा, ठीक है, अभी टाइट हो चुका है, ठीक है, क्यों बोले तो लूज होने से प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके, प्रॉपर टाइट हो गया, ओके, अब ये प्रॉपर टाइट हो गया, इसको स्क्रू डाल देता हूँ पीछे से, ओके कर, अच्छा कर, ये प्रॉपरली टाइट हो गया, ये वाला भी प्रॉपरली टाइट हो गया, अभी इसको ये देखो ऑयल वगैरह आ रहा है, इस तरह से ऑयल भी आएगा, ठीक है, इसे ऑन करता हूँ फिर से, ठीक है, ओके, ये ऑन करा, ठीक है, एक्सीलरेटर, चैन ज़्यादा टाइट हो गया, इसको थोड़ा लूज कर देंगे चैन को, ये चैन थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया है, इसे थोड़ा लूज कर देता हूँ यहाँ से, ये लूज करेंगे फर्स्ट, चलो, ओके, चैन एडजस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इसको लूज करके ये चेन को थोड़ा लूज कर देता हूँ, ज़्यादा टाइट हो गया स्क्रू से। ओके थोड़ा चलेगा, ये टाइट कर देता हूँ। चल कर इसे इस तरह से रखना है, ये ब्रेक रिलीज कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑन कर लिया इधर, ये एक्सीलेटर भी हाथ पकड़ लेता हूँ। दिखाओ जी यार, ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड, इसे इस तरह से कट कर दिया हूँ, ठीक है। ये अच्छा है, ये हैदराबाद रानीगंज से लिया हूँ कटिंग मशीन कल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इसका प्राइस है 4800, ठीक है। अभी तो फिलहाल अच्छा काम कर रहा है, अभी इसके और भी कटिंग कर देंगे, और भी लकड़ी को कटिंग करना है, ठीक। इसमें कुछ आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।